press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार कमर चीमा को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से मेजर गौरव आर्य जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के फ्यूचर के बारे में। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, तो जाके आप वो भी जरूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने अपने आप को महदूद कर लिया है, कि मतलब इंडिया बिल्कुल वो जो क्वाड है, वो जो अमेरिकन ब्रैकेट है, उसके अंदर फंस के रह गया है। और ये जो पाकिस्तान की एक्सरसाइजेस हैं, ये किसी एक ग्रुप के साथ नहीं है, ये एक बड़े ग्रुप के साथ हैं। और दिस इज पाकिस्तान सक्सेस के हमने बहुत सारे लोगों को मिला लिया है, और हमारी जो नेवी है उसकी एक ये एक्सेप्टेंस है। तो इज़न्ट इट अ डिफरेंस? ये नहीं चीमा साहब, मैं डिसएग्री करूंगा इन एनालिस्ट से, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी बहुत छोटी है। पाकिस्तान नेवी 2009 की बात करूं, उसमें डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। It does not have a destroyer, it just has frigates. तो अगर कोई ये बोले कि जहां तक naval exercises हैं, उसमें पाकिस्तान ने alignment बना ली, alignment तो देखिए हम बना रहे हैं। हमारा second aircraft carrier आ रहा है, हम लोग third aircraft carrier बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग 11 destroyers की बात कर रहे हैं, हम लोग nuclear submarines की बात कर रहे हैं। There are 34 ships in India which are being made in India. देखिए, what India is seeking today is global influence. साथ में लेके चलना तो हम तरीके हैं कई सालों से, हम लोग एक अलग चीज कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, कि जो हमारी पहली जंग हुई पाकिस्तान के साथ वो 1947-48 में हुई थी, मतलब जो कि कश्मीर में थी, विच इज नॉर्थ, जाहिर सी बात है। 62 की जंग हुई चाइना में, वो ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इस एरिया में हुई। 65 में जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, मतलब वो यू नो दैट वाज इन स्टार्टेड ऑफ इन अखनूर इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एरिया, नॉट कश्मीर बट जम्मू एरिया अखनूर। और फिर उसके बाद कश्मीर में थोड़ा सा फैली, फिर अपने पंजाब की तरफ भी गई, ऑल दैट तमाशा हैपेंड। 71 ईस्ट एंड वेस्ट बोथ, नॉर्थ आल्सो, देन कारगिल महदूद रह गया एक छोटे से एरिया में ना, लद्दाख के एरिया में, कारगिल इज इन लद्दाख, सो लद्दाख के एरिया में महदूद होकर रह गया। जो भी हमारे यहाँ टेररिज्म हुई है, चाहे कश्मीर में हुई है, चाहे पंजाब में हुई है, कहीं भी, सो ऑल दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड फेसिंग, ऊपर की तरफ फेस करके चल रहा है। लेकिन ऑल द टाइम द थ्रेट वॉज बिलो, थ्रेट वॉज फ्रॉम द सीज। तो ये जो क्वाड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना का 35-40% जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से जाता है, वो मलाका स्टेट से जाता है। चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना को 10 साल लगेंगे, क्योंकि चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, 1-1.5, अब दूसरा नहीं आया उनका पूरी तरीके से। अमेरिका के पास 10-11-12 है न्यूक्लियर पावर, वो भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपसे कि चाइना इज इकोनॉमिक, जो चाइना का जो सुपरस्टार्डम है, इफ आई कैन कॉल दैट, इट इज लेवरेजिंग ऑन दैट टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो कि कोई भी मुल्क करेगा, इंडिया भी कर रहा है, सब लोग करते हैं, चाइना भी कर रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, दैट्स देयर ओन इंटरनल पॉलिसी। मेरा ये कहना है चीमा साहब कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एवरीबडी विल ट्राई टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। सब लोग ये व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है? मुल्क अपने मफादात देखते हैं, इंडिया यहाँ पे अपना मफादात देख रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया और भी चीजें कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री। मिलिट्री कैनॉट सर्वाइव विथ इकोनॉमिक्स। तो आपने बोला ना कि पाकिस्तान ने अपने ऑप्शंस खोल दिए, मिलिट्री इज समथिंग दैट अ कंट्री हैज टू बी एबल टू अफोर्ड। चाइना की अब मिलिट्री आंखें दिखा रही है, इतने साल तक तो सो रखी थी, क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करी, अब इकोनॉमी चाइना की वर्ल्ड की सेकेंड हो गई है, अब वो मिलिट्री से आंखें दिखा रहा है, पहले तो उसने आंखें नहीं दिखाई। 1979 में तो वियतनाम से हारा था चाइना, बहुत बुरी मार पड़ी थी, लेकिन क्या अभी हारेगा वियतनाम से? बिल्कुल नहीं हारेगा। इट इज बिकम सो बिग, राइट? तो वही मैं पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि सिर्फ ना फौज पे डिपेंडेंट होना, आई थिंक इट विल बी अ मिस्टेक। चाहे इंडिया तो कभी डिपेंडेंट ही नहीं फौज पे इतना। तो मैं ये कह रहा था कि मालाबार एक्साइज हो, अमन एक्साइज हो, दोनों एक्साइजेस चलनी चाहिए। और महदूद मुझे नहीं लगता कि इंडिया रह गया महदूद, कि उसमें कंस्ट्रिक्ट हो गया, कि इंडिया इज टू बिग अ कंट्री, अमेरिका निगल नहीं पाएगा हमको। 130 करोड़ लोग हैं चीमा साहब, इट कांट सोलो इंडिया, एंड द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी इज टू बिग, मतलब 15-16 लाख बंदे हैं, मतलब आजकल तो कोई भी किसी को नहीं निगल सकता। मतलब 50 साल बाद अमेरिका को क्यूबा के आगे भी घुटने टेकना पड़ गए आजकल के जमाने के। मतलब मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका ने जितनी आज तक सैंक्शंस जो लगाई हैं, उसमें सिर्फ 2/3 जो सैंक्शंस हैं वो तो इफेक्ट ही नहीं की किसी के ऊपर।
सो मतलब आजकल चीजें बिल्कुल डिफरेंट जा रही है, लेकिन आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि आपकी जो ज्योग्राफी है, आपकी जो ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी है, वो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी से लिंक है। इसमें तो दो राय ही नहीं है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी फौज है और इतने बड़े रिसोर्सेज है, इतना बड़ा मुल्क है, तो अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा है और हमें अपनी जो ऑप्शंस हैं ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े डिफिकल्ट टाइम में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप देखें ना, मिडल ईस्ट में पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट जाने की कोशिश कर रहे हैं, गो के हमें पता है कि हम वहां फंस सकते हैं। और क्योंकि हम ना, हम सऊदीज को भी कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, कि हम जो आप हमें लेके चलो हम वो करने को तैयार नहीं है। इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए आई एग्री विद यू कि अमन एक्सरसाइजेस हो या कुछ भी हो, इसको आपने अपनी इकोनॉमी से बचाना है, अपनी ज्योग्राफी को, ना कि आपने अपनी बड़ी बड़ी जो है वो मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट। जी यही बात हो रही। यू एक मोटो आप लाओ पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान फर्स्ट, कहानी खत्म। हमें पाकिस्तान से मतलब है, हमें पाकिस्तानियों से मतलब है, बाकियों को मरने दो अपनी जगह। क्या लेना देना आपने? ये मैं ये पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर अमूमन जब आता हूँ तो मैंने ये कहा है कि अगले 20 साल कुछ नहीं करना, अगले 20 साल सिर्फ इकोनॉमी में फोकस करो, अपनी इकोनॉमी, अपनी डेवलपमेंट, ग्रोथ करो, इंडस्ट्री बढ़ाओ, मैन पावर को यूज करो। तो फिर हमने देखे मेजर साहब, हमने पिछले 75 साल जंगें लड़ी हैं, हमें वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। और ये बड़ी पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि बेशक वो कोल्ड वॉर हो, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, इंडिया के साथ हो, तो हमारा जैसा मुल्क जो है वो हमें इस फेस से थोड़ा बाहर आना है। और इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है अगर हम इस सारे मोड से भाई, और भी अभी इसीलिए सिविल और मिलिट्री की आदत मिल के मेजर साहब काम कर रही है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आई एग्री विद यू ऑन दिस इकोनॉमी। तो आखिरी सवाल मेजर साहब आपसे मैं करने लगा हूं, जमहूरियत वापस आएगी कश्मीर में? देखिए मुझे तो लग रहा है ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, दीस आर द ग्रीन शूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कश्मीर में आज तक फेक डेमोक्रेसी, ये जो अब्दुल्ला और ये मुफ्तीज है ना, ये लोग, ये तो डकैत हैं बड़े बड़े। तो इन्होंने इनकी जब प्रॉपर्टीज की, आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जरदारी चोर है और नवाज शरीफ चोर है ना, ये सब आप कहते हैं कि चोर है। आप कभी इनका भी देख लेना तो आपको मजा आ जाएगा। ये कलाकार है, इनके लंदन में वही फ्लैट ना जो है ना, वो लंदन में इनके, न्यूयॉर्क में, यहाँ पे ये वो, दुनिया भर के इनके। तो पर आपको कश्मीर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, करीब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कश्मीर में, पूरे J&K स्टेट में बात कर रहा हूँ। हम लोग कश्मीर कश्मीर बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पूरे, तब जाके ये ठीक उठेगा। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये कैसे आएगी? आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है, आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है। जो आपका आपका एरिया है जिसको हम पीओके बोलते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उधर तो सारे जम्मू साइड वाले तो हैं वो, ये मीरपुर जितने भी हैं, देयर फ्रॉम देयर देश भी वो गोजरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं। जैसे जियाले, आपके यहाँ वर्ड यूज करते हैं ना जियाले, पीपीपी के जियाले वर्कर्स जो हैं, जो बीवी के नाम पे जान कुर्बान, वो डायलॉग बाजी जो करते हैं ना, फिर बंदे कहते हैं शेर आया शेर। इस टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कश्मीर में बहुत प्रेविलेंट था कि महबूबा मुफ्ती ने बोल दिया तो हम कुर्बान हो जाएंगे, और इसने बोल दिया कुर्बान। आपको किसी के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत नहीं है, आप पैसे कमाओ, घर जाओ, बीवी बच्चों का ध्यान रखो, माँ बाप की सेवा करो, और बच्चों को पढ़ाई कराओ, चाहे बेटा हो या बेटी, इनको पढ़ाओ, ये आपका पहला फर्ज है। और अगर आप अपना फर्ज ठीक से करोगे तो भारत अपने आप तरक्की करेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी हथियार लेके बॉर्डर पे चला जाए, नहीं, यू डोंट हैव टू वेयर यूनिफॉर्म टू बी ए पेट्रियट। आपको जरूरी नहीं है वर्दी पहने तभी आप कुछ भी करो, आप अच्छा काम करो ना अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, सब ठीक हो जाएगा। और वो वहां पे दो परिवारों से ही फुर्सत नहीं थी उन लोगों को, तो अब फुर्सत मिली है उनसे, लोगों से। अब महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दे दिया बहुत अच्छा, चीमा साहब, शी हैज गिवन अ स्टेटमेंट दैट जब तक 370 और 35A विड्रॉ नहीं होगा तब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी। सो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह कमर चीमा के सवाल और मेजर गौरव आर्या जी के दमदार और बेबाक जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे। जहां पे आपने देखा इन दोनों ने बात की ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा हुई कि भारत का फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, और खासकर भारत के रिश्ते पाकिस्तान और चाइना के साथ कैसे रहेंगे। तो आशा करता हूं कि मेजर गौरव आर्या जी के जो फैक्ट्स और फिगर्स थे वो आपको काफी पसंद आए होंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव, यानी कि नॉलेज से भरी वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।